पार्टी कर दिया है और जो पार्टी के दायरे में रहकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आपके घर का घेराव किया और वो लगातार ये दबाव बना रहे हैं किसान नेता कि आप इसका समर्थन करें। और आपने सदन में भी कहा है कि हम गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, सारी स्टेटमेंट है कल ही दिए हैं आपके कैमरों के सामने दिए मैंने। इफेक्ट जो और नेता है मेरे साथ के जेजीपी के या बीजेपी के आगे बढ़ गई अपने अपने की रैलियां करें तो पता लग जाएगा सबको कहाँ जाने की जा सकते हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि विप विप के विप के बाद आप मजबूर हो गए हैं कि आप वोट करने पड़े? कोई मजबूरी नहीं होती कि पार्टी के अंदर मैं पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हुए हैं। किसान की बात मैंने कल भी की थी, आज भी कहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि प्रदेश के हालात में जो किसान सड़कों पर हैं वो सामान्य नहीं है और जो सत्ता पक्ष में आज हम बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत जी को ले लीजिए, पूछ लीजिए जाके दो उतरने में गए हुए कितने दिन हो गए उनको, मुख्यमंत्री जी करनाल पूछ लीजिए कितने दिन में आपके दौरा की, कितने दिन ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग किसी मंत्री को पूछिए अपने उन्होंने जाकर कहाँ कहाँ ली है। ये सब सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है, मामला है और इसको निपटाना पड़ेगा। आप कहाँ खड़े रहे, आपका स्टैंड क्या है सर सरकार की तरफ? मैं सब आप सब जानते हैं, मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो जब आप एक पार्टी ने भी जारी कर दिया, आपको यहाँ मौजूद भी होना होगा और जो पार्टी का आदेश होगा आपको चाह करना चाहकर उनके साथ भी खड़ा होना होगा। लेकिन सर सवाल ये है कि आपको किसान संगठनों के लिए आपने कहा कि मैं भी किसान हूँ, मैं भी उनके वोट मैंने लिए, तो फिर उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे आप? नहीं, स्टैंड क्या है जो कांग्रेस राजनीति के बीच के पीछे उनके खुद के 21 विधायकों ने जो इन्होंने जो व्हिप के लिए 18 मिनिमम चाहिए होते हैं उसमें 21 का इनके खुद के सही निकल, वहाँ पता लग जाएगा इनके कितने, क्या पता दो चार इनके ना बीमार हो जाए। पहले ये सब राजनीति है, यहाँ आम जनता को परेशान करना और सिर्फ राजनीति को एक दूसरे तरीके से यहाँ सुचारू। लेकिन आपके दिल में कहीं किसानों के लिए है भाई? मैं पैदा हुआ हूँ वही खा पी के, मैं इतना लंबा 6 फुट 2 इंच का बना हूँ। ये तो चलो सर कल मौका है, किसान भी कह रहे हैं कि मौका है, आप दिखाइए कि आप हमारे साथ हैं। मेरे मौका मेरा वहाँ खड़े हो जाने से क्या किसानों को न्याय मिल जाएगा? भाई छोड़ो मोबाइल पे चेक करें, जो हल्के की आवाज़ आज मैं विधानसभा में उठा सकता हूँ, जो मैंने मेरे को बोलना चाहिए था मैं भी विधानसभा के बाहर आ जाऊँगा, परसों मेरे को वहाँ से निकाल देगी जेजेपी। ये तो आप समझते हैं ना, ये तो एक प्रेशर मैं भी मजबूरी क्या है इसमें, आप समझिए इसको मजबूरी समझ लीजिए। पूरी पार्टी को छोड़ना चाहिए साथ, कुछ दुष्यंत को पीछे आ जाना चाहिए अगर नहीं निपटवा पा रहे हैं। आप मंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं तो मंत्री बन गया भाई। सर आप ये कह रहे हैं सर सर आपने कहा कि खुद जेजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल मानता हूँ, सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल साथ देना छोड़ देनी। आज अगर हमारी विधायक दलों की मीटिंगें बार बार बुलाई गई, हम सबको बुलाया गया, दुष्यंत ने बुलाया हमें कि हम बात कर रहे हैं, हम इसको निपटवा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम निपटवा रहे हैं, पिछले 8 महीने देख रहे हैं हम इसको, सॉरी इसके 70-80 दिन से देख रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा था इसको निपटवा रहे हैं। तो सर विधायकों की बात क्यों नहीं मान रहे फिर दुष्यंत जी, क्या मजबूरी है उनकी? आपको पता नहीं है क्यों नहीं मान रहे? आप बता दीजिए नुमाइंदे उनके सर, आप सोच रहे हैं कि मैं सरकार में बैठ के शायद ज्यादा फायदा कर सकता हूँ किसानों का, वो सोच रहे हैं कि मैं किसानों का फायदा सरकार में बैठ के ज्यादा कर सकता हूँ, ये इस सोच के साथ बैठे हुए। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।